नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में जहां दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें फेल होती नजर आ रही हैं, तो राजस्थान ने दुनिया को एक रास्ता दिखाया है। भीलवाड़ा मॉडल दुनिया के सामने पेश करके मुख्यमंत्री गहलोत ने साबित कर दिया है कि वे चुनौतियों से निपटने में कितने सक्षम हैं। वे एक ऐसे योद्धा हैं जो कहने में नहीं करने में विश्वास रखते हैं, और इसीलिए मरुधरा उन्हें कर्मयोगी गहलोत के रूप में जानती है। जिस वायरस ने दुनिया को दहला दिया, वो राजस्थान की दहलीज पर आकर ठिठकने को मजबूर कैसे हुआ? दरअसल इसके पीछे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दूरदर्शिता और निर्णय लेने की क्षमता है। कोरोना को हराने के सबसे बड़े संकल्प के साथ ये तय हो गया है कि मौत के वायरस को मात देगा राजस्थान। ये रिपोर्ट देखिए। मरुधरा के महानायक का नहीं कोई विकल्प। कोरोना को हराने का सबसे बड़ा संकल्प। मरुधरा के गांधी का सबसे बड़ा ऐलान। मौत के वायरस को मात देगा राजस्थान। कोरोना के खिलाफ सीएम गहलोत का पंचसूत्र। राजस्थान के किसान सीएम गहलोत को अपना मसीहा यूं ही नहीं मानते। मुख्यमंत्री किसानों का दर्द कहने से पहले समझ जाते हैं। दूसरी बात है कि विशेष अभी आपको मालूम है, मंडी जो हमारी है, किसान लोग बहुत तकलीफ में हैं। वो खेतों में वहाँ पर बंद है, गांव में बैठे हुए हैं। तभी आपको जानने खुशी होगी कि वो काम उन्होंने टॉप प्रायोरिटी पर लिया है, जिसमें 36 मुख्य अनाज मंडी है, क्षेत्र खुल गई है, 296 गवर्नमेंट में 156 मंडी खुली हुई है। जरा सोचिए कि जो गाइडलाइन आज केंद्र सरकार ने जारी की है, कोरोना से लड़ने की जो रूपरेखा खींची गई है, उसे 5 दिन पहले ही राजस्थान में लागू कर दिया गया था। इन 5 बड़े निर्णयों को देखने पर समझ आता है कि सीएम अशोक गहलोत वाकई एक कर्मयोगी और दूरदर्शी व्यक्ति है। पहला निर्णय, कृषि उत्पाद खरीद का रास्ता साफ। कृषि जिन्सों के विक्रय के लिए राज्य के लगभग 460 क्रय विक्रय एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों तथा तिलम संघ को समुचित शिथिलताएं प्रदान करते हुए निजी गौड मंडी घोषित किया गया है। इससे काश्तकारों को वैकल्पिक प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा और कृषि जिन्सों की विकेंद्रित खरीद सुनिश्चित हो सकेगी। किसान अपनी कृषि उपज बेचने के लिए अपने खेत और गाँव के नजदीक ही सहकारी समितियों पर ला सकेंगे और कृषि उपज मंडियों के अनुरूप ही अपनी कृषि जिन्सों का खुली नीलामी से विक्रय कर प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य प्राप्त कर सकेंगे। इस निर्णय से किसानों को अपने खेत के नजदीक ही कृषि उपज के विक्रय केंद्र उपलब्ध हो जाएंगे। दूसरा निर्णय, प्रसंस्करण उद्योगों को छूट। कृषि प्रसंस्करण इकाइयों को किसानों से सीधी खरीद के अनुज्ञा पत्र के लिए मंडी समितियों में आवेदन करने से छूट दी गई है। इससे प्रसंस्करण उद्योगों को कच्चा माल सहज उपलब्ध हो सकेगा और लॉकडाउन के दौरान खाद्य सामग्री की किल्लत जल्द दूर हो सकेगी। तीसरा निर्णय, फसल बीमा योजना के लिए 500 करोड़। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में राज्यांश प्रीमियम जमा कराने के लिए 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि कृषक कल्याण कोष से हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके तहत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अगले 1 माह में 700 करोड़ रुपए के प्रीमियम का भुगतान करने का निर्णय लिया गया था, जिससे खरीफ 2019 तक के पूर्ण राज्यांश प्रीमियम का भुगतान हो सके और किसानों को लंबित क्लेम का भुगतान हो सके। पिछले 1 साल में राज्य सरकार प्रीमियम के रूप में 2034 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है। इसी क्रम में 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि कृषक कल्याण कोष से हस्तांतरित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। चौथा निर्णय, किसानों को कृषि मंडी तक जाने की अनुमति। गहलोत सरकार ने किसानों को कृषि मंडी तक जाने की छूट के साथ एहतियातन पूरे प्रदेश में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। कोविड-19 के प्रसार को रोकने और लॉकडाउन आइसोलेशन के उपायों का कड़ाई से पालन के लिए सभी नगरपालिका क्षेत्रों के साथ ही राज्य की अधिसूचित मंडियों में
और इससे संबंधित यात्रा करने वालों के विषय में निर्देशों का अनुपालन करने के आदेश जारी किए गए हैं। पांचवा निर्णय, कोरोना प्रसार पर सख्ती का वार। कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने देश भर में अपने काम से आदर्श बने भीलवाड़ा के मॉडल को 7 जिलों में लागू करने का आदेश दिया है। प्रदेश में कोविड 19 के हॉटस्पॉट बने इन जिलों में अब भीलवाड़ा की तर्ज पर महाकर्फ्यू और आम जन की जरूरतों का ख्याल रखते हुए जरूरी सामान की सप्लाई और सैंपलिंग सर्वे के काम के आदेश दिए गए। सीएम गहलोत ने न सिर्फ किसानों और गरीबों की सुध ली, बल्कि उन्होंने कोरोना से जूझ रहे वॉरियर्स के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ और पुलिस कर्मियों समेत सभी कोरोना वॉरियर्स के लिए 50 लाख के बीमा कवर का ऐलान किया। वाकई संकल्प शक्ति हो तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। पूरा प्रदेश जब कोरोना संकट से जूझ रहा है तो कुछ ऐसे योद्धा भी हैं जो अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर प्रदेश की जनता की रक्षा के लिए इस वायरस से जंग लड़ रहे हैं। इन योद्धा में सबसे आगे सेनापति की तरह डटे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनका ना सोने का ठिकाना है और ना खाने का। बस मन में एक ही संकल्प, जिद को जुनून बनाना है, कोरोना को हर हाल में हराना है। पेश है खास रिपोर्ट। प्रदेश में जब विकास का खाका खींचा जा रहा था और विधानसभा में बजट पास हुआ था, तभी एक चिंता भरी खबर आई कि इटली का एक नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। चिंता इसलिए गहरी थी क्योंकि ये नागरिक राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई इलाकों में रुका था। अब इस घटना के बाद प्रदेश में सब कुछ बदल गया। सीएम गहलोत जहां बजट के अनुसार प्रदेश के विकास का सपना देख रहे थे, अचानक सेनापति की भूमिका में आकर खड़े हो गए, क्योंकि अब जंग ऐसे अदृश्य दुश्मन से होनी थी जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचाकर रखा था। गहलोत घबराई नहीं, बल्कि इस वायरस से जंग में सबसे आगे आकर खड़े हो गए। तुरंत फैसले लिए और साथ ही एक ऐसी टीम बनाई जो दिन रात कोरोना से जंग में लड़ाई लड़ सके। सेनापति की भांति खुद गहलोत मोर्चे पर डटे हुए हैं। एक तरफ लोगों को बीमारी से बचाने का जिम्मा है, तो दूसरी तरफ गरीब बेसहारा जरूरतमंदों को भूखा ना सोने देने का संकल्प। कोरोना से जंग में प्रदेश के योद्धा ने अब तक क्या क्या किया, इस पर एक नजर डालते हैं। 18 मार्च को पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू की। 21 मार्च को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन का फैसला। लॉकडाउन करने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान। राजस्थान का अनुसरण अन्य राज्यों और केंद्र ने किया। जनता के जीवन को सर्वोपरि मानकर कुछ जगह कर्फ्यू लगाया। लॉकडाउन के कारण जनता की चिंता भी सताने लगी। मजदूरों, गरीबों और असहायों के लिए विशेष प्रबंध किए। पहले 1,000 फिर 1,500 रुपए की नगद सहायता राशि दी। प्रदेश में कोई भूखा न सोए अभियान का आगाज किया। राजनीतिक दलों से बैठकर कोरोना से लड़ाई में मदद मांगी। धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। विधायक और मंत्रियों के साथ अपना वेतन स्थगित किया। बिजली और पानी के बिल स्थगित कर जनता को बड़ी राहत दी। चिकित्सा कर्मियों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। कोरोना की जो स्थिति बनी देश के अंदर, दुनिया के अंदर बनी थी, तो मेरा मानना है कि जिन राज्यों ने, जिन देशों ने इसको गंभीरता से लिया, वहां पर काफी हद तक इस पर रोक लगी और फैलाव नहीं हो पाया। राजस्थान भी एक है। हमने शुरू से ही, जैसे ही पहला पेशेंट आया राजस्थान के अंदर, इटली का था, पर्यटक था, उसके बाद में हम लोगों ने इमीडिएटली सोसाइटी इन्वॉल्वमेंट किया, जिसमें चाहे अपोजिशन पार्टियां थी लीडर्स को बुलाया गया, सोशल एक्टिविस्ट थे उनसे बातचीत की गई, रिटायर्ड डॉक्टर्स थे उनसे बातचीत की गई। तैयारी हमने इस प्रकार से कर ली जिससे कि आने वाले वक्त में लड़ाई हम लोग लड़ सकें कोरोना के खिलाफ में। उसमें काफी हद तक कामयाब हुए मेरा मानना है। हालांकि अभी भी पेशेंट आ रहे हैं पॉजिटिव और हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिला प्रशासन और स्टेट लेवल पर लगातार जो हमने कोर ग्रुप बनाया है मॉनिटरिंग के लिए, तत्काल निर्णय लेने के लिए एसीएस उनकी अध्यक्षता में, इसके अलावा हमने वार रूम बनाए हैं स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडीएम की अध्यक्षता में। हेल्थ के लिए अलग से वार रूम बनाया गया है एसीएस हेल्थ के अध्यक्षता में।
इस प्रकार से हम लोगों ने लगातार जो स्क्रीनिंग की है वो भी राजस्थान की आबादी करीब 7.5 करोड़ है, 1.7 फैमिलीज को अभी तक हमने टच कर लिया है, उसका मतलब करीब करीब 5 करोड़ लोगों तक हमने स्क्रीनिंग की है बहुत बड़े स्केल पर, और 15,000 टेस्ट कर लिए जो केरल के बाद में सबसे अधिक है लगभग राजस्थान के अंदर, और 1 लाख बेड हमने चिन्हित कर लिए हैं पूरे प्रदेश के अंदर विभिन्न जिलों के अंदर, 25 करोड़ रुपये हमने इंसेंटिव रखा है हेल्थ डॉक्टर्स नर्सेज उन लोगों के लिए, और वॉर रूम के अलावा जो मैंने आपको बताया कि क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए अलग से विंग बनाई गई है, और मैं खुद लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। इस प्रकार से हमने धारा 18 मार्च को ही सीआरपीसी धारा 144 के अंतर्गत 20 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, मंदिर मस्जिद जितने गुरुद्वारे हैं उनको बुला के धर्मगुरुओं से बात करी गई, उनकी मीटिंग की गई, उनको रिक्वेस्ट किया गया आप खुद अपील करो अपने फॉलोअर्स की कि ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं हो, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है और आपको उसको मानना पड़ेगा। प्रदेश में धारा 144 लगाने के बाद से लेकर अब तक कोई ऐसा दिन नहीं गया जब मुख्यमंत्री ने दिन में 2 से 3 मीटिंग ना ली हो, वरिष्ठ अधिकारियों का कोर ग्रुप बनाया जो तुरंत फैसले ले। अब तो सीएम ने 2 टास्क फोर्स का भी गठन कर दिया है। भीलवाड़ा में तो कोरोना को नाको चनी चबाकर ऐसा मॉडल स्थापित किया कि आज पूरे देश में सीएम के इस भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ हो रही है। प्रदेश की जनता भूखी ना सोए इसके लिए ऐसा अभियान छेड़ा कि आज हर कोई मदद के लिए आगे बढ़कर आ रहा है। मुख्यमंत्री ने COVID-19 विशेष कोष भी स्थापित किया है जिसमें लोगों ने खुले हाथों से मदद की। 2 दिन में राजस्थान भर में सब जिलों में बात करी हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों से, चाहे किसी पार्टी के थे, करीब सबने कहा कि नहीं हमारे यहाँ कोई शिकायत नहीं है, जिला प्रशासन भी पब्लिक भी और पॉलिटिशियन भी सब पार्टी के लोग मिलकर काम करें, ऐसा माहौल राजस्थान बन चुका है, उसी माहौल में हम लोग अब काम कर रहे हैं। भीलवाड़ा और रामगंज जो है ये हमारे लिए चिंता का विषय था, भीलवाड़ा के अंदर जो काफी लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं भी कहना चाहूंगा कि उसमें हमने कोई घर छोड़ा ही नहीं, पूरे घर घर के अंदर हमने करीब 3,000 टीमें बना करके हम लोगों ने उसको लोगों के 32 लाख लोग तक हम पहुंचे, स्क्रीन की गई करीब 6 लाख हाउस होल्ड को, 6 लाख हाउस होल्ड तक हम पहुंचे, और कोई 27 केस में आ गए थे, वो चिंता का विषय था, 2 की डेथ हो गई थी जो बहुत बुजुर्ग थे और कई बीमारी से ग्रस्त थे वो, बाकी सबका इलाज ढंग से चल रहा है, और जिस अस्पताल में आया था डॉक्टर बेवकूफी से ये सब कुछ फैला, इमीडिएटली हम लोगों ने 19 मार्च को ही जो है धारा 144 के अंतर्गत कर्फ्यू लगा दिया, और सीमा जिले की हो या सिटी की हो वो सब सील कर दी गई, ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया गया, कोई मूवमेंट नहीं रोडवेज का नहीं, रेलवे का पहले बंद हो चुका था, कॉमर्शियल प्राइवेट वाहन सब रोक लगा दी गई, और पॉजिटिव केसेज जो थे उसकी हम लोगों ने क्लस्टर मैपिंग करी, ये चिन्हित हो गए उसके आधार पर हम लोगों ने आगे बढ़े। मैं कह सकता हूँ कि वहाँ भीलवाड़ा के अंदर जिस प्रकार से चाहे वो ICU की बात हो, 27 हॉस्पिटल्स को हम लोगों ने करीब 1,541 रूम को क्वारंटाइन की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, 22 हॉस्टल्स में इंस्टीट्यूशन के करीब 12,000 क्वारंटाइन रूम्स को हमने तब्दीली कर दिया। कोरोना से इस जंग में मुख्यमंत्री का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया एक और योद्धा ने, ये योद्धा हैं मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका। प्रशासन में 100% डिलीवरी के लिए पहचान रखने वाले रांका मुख्यमंत्री की कोर टीम के प्रमुख सदस्य हैं। मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए फैसलों को तुरंत पूरे प्रदेश में लागू करवाना और उनकी मॉनिटरिंग करके मुखिया को रिपोर्ट देने का काम रांका ने बखूबी किया है। ना दिन का चैन ना रात का सुकून, ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से इस जंग को जीतने में अहम भूमिका निभाई है कुलदीप रांका ने। मुख्यमंत्री रांका की प्रेरणा से ही अधिकारियों और कर्मचारियों ने आगे बढ़कर अपने वेतन में से सहयोग दिया। जब सरकार ने वेतन स्थगित करने का फैसला किया तो कर्मचारियों ने भी इसका समर्थन किया। ये सब संभव हो पाया कुलदीप रांका के कारण। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से नरेश शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना पूरी दुनिया के लिए चुनौती है और इस चुनौती से पार पाने के लिए जरूरत है एक ऐसे दूरदर्शी नायक की जो सही समय पर सटीक फैसले ले सके। राजस्थान के हक में ऐसे ही सटीक फैसले ले रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लॉकडाउन जैसा सख्त कदम उठाया तो वही लॉकडाउन से प्रभावित गरीब लोगों के लिए संवेदनशील फैसले भी लिए और इस तरह गहलोत बन गए कोरोना के खिलाफ ढाल। पेश है रिपोर्ट।
मौके की नजाकत को समझ सके और स्थिति भांप का सटीक कदम उठा सके। जहां पूरे देश में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, वहीं राजस्थान में कोरोना के संदिग्ध मिले तो सही, लेकिन स्थिति बेकाबू नहीं हुई। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दूरदर्शिता और प्रशासनिक कुशलता। सीएम गहलोत ने कोरोना को बहुत पहले से ही गंभीरता से लिया था और समय से पहले ही जरूरी कदम उठा लिए, समय समय पर फीडबैक लिया और मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर सूबे के हक में वो सभी फैसले किए जिससे कि कोरोना की कहर को रोका जा सके। दरअसल सीएम गहलोत ने कोरोना की भयावहता को समय से पहले ही भांप लिया था। यही कारण है कि सीएम गहलोत ने 10 दिन पहले ही कोरोना को लेकर सभी को आगाह कर दिया था। देखिए, बहुत ही प्रिकॉशन रखने यूथ है, अभी देखता कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, परंतु जो हालात 2-3 महीने में देखे हैं चाइना में, ईरान में, इटली के अंदर, जब कुछ नहीं दिखा पहले इटली में कुछ नहीं दिखा, ईरान में कुछ नहीं दिखा, और देखते देखते 1000 लोग मर गए वहाँ पर इटली के अंदर भी। चाइना में पहले फिगर 50 आ रहे थे, 100 आ रहे थे, 200 आ रहे थे, करते करते आज 3000 लोग मर गए, 6-7 हज़ार लोग मर चुके हैं वर्ल्ड के अंदर। महामारी घोषित कर जा चुकी है, अगर WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन अगर महामारी घोषित करता है तो सोच समझ के करता है। इसलिए एक के बाद एक सब मुल्क आपातकालीन घोषणा कर रहे हैं, अमेरिका ने कर दी, हिंदुस्तान ने कर दी है, देश ने। तो हर नागरिक को चाहिए कि जो प्रिकॉशन कहा जा रहा बार बार, हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, पूरे मुल्क के अंदर प्रचार प्रसार हुआ, सिनेमा घर बंद हुए हैं, स्कूलें बंद हुई है, कॉलेज बंद हो रहे हैं, तो फिल्म कहेंगे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, परंतु प्रिकॉशन नहीं रखेंगे, अगर ये फैलता गया तो इसकी फैलने की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि बाद में बहुत तकलीफ आएगी। इसलिए हम सबसे अपील कर रहे हैं पब्लिक से भी कि जो सरकारें कह रही है, चाहे भारत सरकार को चाहे राजस्थान सरकार को, उसको पूरी तरह फॉलो करना चाहिए। दो दिन बाद ही सीएम गहलोत ने राजसमंद में कोरोना के खतरे से बचने के लिए एक बार फिर से आगाह किया और लोगों को कोरोना से बचने के उपाय बताए। साथ ही ये भी भरोसा दिलाए कि प्रदेश सरकार कोरोना से पार पाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। ये कहना चाहूँगा, अभी जो कोरोना का प्रकोप पूरी दुनिया के अंदर छा गया है, उससे मैं आपका आह्वान करूँगा, भारत सरकार भी कह रही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कह रहा है, UN भी कह रहा है कि यात्राएं कम से कम करें, ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो, ये प्रयास करें। मैं तो इसलिए आना पड़ा मुझे क्योंकि लक्ष्मण सिंह जी का दूरदर्शन का आग्रह था, प्रोग्राम पहले का फिक्स था, गौशाला का भी था और आपका इंडस्ट्रियल एरिया का महत्वपूर्ण प्रोग्राम था जिससे आने वाले वक्त में नौजवानों का भविष्य निर्भर करेगा। इसलिए मैंने तय किया, कल चर्चा चली थी कि प्रोग्राम कैंसिल करें क्या करें, असेंबली का हमारा कल जो अधिवेशन था उसको भी इसलिए बंद किया गया क्योंकि अभी ये प्रकोप चल रहा है, आप लोग आप पर बच के रहें। अभी कहा गया हाथ नहीं मिलाएं आप पर के अंदर, बड़ी गैदरिंग नहीं हो। स्थानीय स्तर पर कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन इटली से आए एक पर्यटक दल के कारण कोरोना ने राजस्थान में दस्तक दे दी। मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूरी कमान अपने हाथों में ली और चिकित्सा विभाग को मुस्तैद कर दिया। रोजाना सूबे के आला अधिकारियों और मंत्रियों के साथ रिव्यू बैठक ली और सभी जरूरी इंतजाम और एहतियात बरतने के आदेश दिए। जब पूरे देश में कोरोना ने अपना कोहराम मचाना शुरू किया और मरीजों की तादाद बढ़ने लगी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान सतर्क अभियान चलाया जिसके तहत प्रदेश की जनता को जागरूक किया गया, बचाव के तरीकों से रूबरू करवाया गया और यही कारण रहा कि कोरोना प्रदेश में अपना विस्तार नहीं कर पाया और न ही कोरोना की वजह से प्रदेश में किसी की जान गई। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की जनता के लिए कोरोना के खिलाफ ढाल बन गए और प्रदेशवासियों को कोरोना से महफूज कर लिया। प्रदेश में कोरोना का एक भी मरीज ना हो, इस मंशा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युद्ध स्तर पर रणनीति बनाई। वही मौके की नजाकत को देखते हुए सीएम गहलोत ने वो फैसला लिया जिसकी कल्पना किसी ने की ही नहीं थी। मुख्यमंत्री गहलोत ने वक्त की नजाकत को भांपते हुए 31 मार्च तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन के आदेश दिए, साथ ही हर दिन फैसलों के लिए कोर ग्रुप गठित किए। लॉकडाउन के दौरान रोजी रोटी से वंचित गरीब तबके के लोगों को सहारा देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महत्वपूर्ण कदम उठाए। सीएम गहलोत ने संवेदनशीलता दिखाते हुए NFSA से जुड़े परिवारों को 2 महीने का निःशुल्क गेहूँ देने और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री के पैकेट देने का भी ऐलान किया।
प्रदेश के 78 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को 2 माह की पेंशन एक साथ तत्काल देने के निर्देश दिए। 36,51,000 BPL स्टेट BPL एवं अंत्योदय योजना के लाभार्थियों, 25 लाख निर्माण श्रमिकों एवं रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर्स जो कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में कवर नहीं हो रहे, उन्हें एक बार अनुग्रह राशि के तौर पर 1,000 रुपए दिए जाएंगे ताकि उनके हाथ में नकदी पहुंचेगी और वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस फैसले का लाभ प्रदेश के 1,41,00,000 परिवारों को मिलेगा। 2 माह की पेंशन एक साथ मिलने से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों के हाथ में 1,1500 रुपए या इससे अधिक की राशि पहुंचेगी। ये राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा होगी। इन सभी के लिए करीब 2,000 करोड़ का पैकेज बनाया गया है। सीएम अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश में लॉकडाउन करने का फैसला पूरे देश के लिए मिसाल बन गया और एक के बाद एक राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सीएम गहलोत का अनुसरण करते हुए अपने राज्यों में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। प्रदेश वासियों की सेहत को, जिंदगी को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हुए सीएम गहलोत ने और भी सख्त कदम उठाने के संकेत दिए और लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं लिए जाने पर सीएम गहलोत ने चिंता जाहिर की और 24 मार्च से प्रदेश में निजी वाहनों के संचालन पर भी रोक लगा दी। कोरोना को लेकर गंभीरता दिखाते हुए मंगलवार को भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कलेक्टर्स SP के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी कलेक्टर्स और SP को लॉकडाउन के निर्देशों की पालना कराने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम गहलोत ने राज्य की तरह जिलों में भी वॉर रूम बनाने और वहां वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात करने, लोगों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने, जरूरी सेवाओं के लिए ऑनलाइन परमिट जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही निजी वाहनों की आवाजाही को सख्ती से रोकने, बेवजह घरों से निकले लोगों पर सख्ती बरतने, लोगों के साथ संवेदनशीलता से पेश आने और जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने के भी निर्देश दिए। साथ ही कहा कि अगर लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं लिया गया तो राज्य सरकार को मजबूरन कर्फ्यू लगाना पड़ेगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने इस मुश्किल वक्त में कमान अपने हाथों में थाम रखी है और कोरोना के खिलाफ सीएम गहलोत प्रदेश की जनता के लिए ढाल बनकर खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और चलिए इसके साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।